हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2019 बड़ी खबर, राजस्थान में शारदा घोटाले जैसा मामला। 1.5 लाख निवेशकों के 953 करोड़ डूबने की कगार पर पूरी खबर। पिछले महीने राजस्थान स्थित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए उनके कार्यालय को सील कर दिया गया। आगे खबर है, पिछले एक महीने से देव नारायण सिंह, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लगातार राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। सिंह पुलिस से अपने खोए हुए 5 लाख रुपए के लिए अनुरोध करते हैं या फिर बिल्डिंग के किसी कोने में जाकर रोने लगते हैं। सिंह उन लगभग 1.5 लाख निवेशकों में से हैं जिनमें संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया है। इनकी राजस्थान और गुजरात में कई शाखाएं हैं। इन शाखाओं पर निवेशकों के 953 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वित्तीय संस्थान होते हैं जहां सदस्यों द्वारा जमा किए गए पैसों को कम ब्याज दर पर किसी और सदस्य को दिया जाता है। संजीवनी राजस्थान में उन 1200 एजेंसियों में शामिल है जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारे स्टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।